सोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर गांव गांव और शहर शहर जाकर सहयोग राशि ली जा रही है, जिसमें सोलन की जनता दिल खोलकर अपना सहयोग दे रही है। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक गुरदीप साहनी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि वे जहां भी जा रहे हैं उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, लोग राम के नाम पर खुद ही आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। वे जानते हैं कि राम मंदिर सभी देशवासियों के लिए कितना महत्व रखता है, इसलिए वे बिना किसी संकोच के राम मंदिर में अपनी आहुति डाल रहे हैं। गुरदीप साहनी ने बताया कि वे बेहद खुश हैं कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा जिला सोलन में निकाली है, जिसमें जिलावासी उनकी उम्मीद से भी ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे करीबन अभी तक 85 लाख रुपए का योगदान एकत्र कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई टारगेट नहीं दिया गया था, बल्कि ये लक्ष्य जरूर था कि वे हर हिंदू घर तक वे पहुंचे, जिसमें वे कामयाब भी रहे। उन्होंने कहा कि राम भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था, लोग खुद उन्हें बुला बुला कर सहयोग कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से सोलन जिला और नालागढ़ जिला ऐसे अलग अलग है, तो अभी तक की जो हमारे पास डाटा आया है कोई 85 लाख रुपए सोलन से हमने इकट्ठे किए हैं। नालागढ़ की फिगर अलग है, वो 1.5 करोड़ के करीब। इसमें हमारे को जो टारगेट दिया गया था वो राशि के संदर्भ में तो नहीं था, लेकिन ये जरूर कहा था कि हम हर घर तक जाएं, हर घर तक जरूर जाएं। तो हमारे कार्यकर्ता इसमें कम से कम 200 से 250 टोलियां, और हर टोली में किसी टोली में 3 लोग थे, किसी में 5 थे, किसी में 4 थे। तो इस प्रकार से टोलियां गांव-गांव में घरों घरों तक गई हैं और उन्होंने अपना काम बखूबी पूरा किया है। हम हर घर तक गए हैं। हाँ, हमारा काम 28 तारीख तक हमने किया है और 28 तारीख को ये अभियान हमारा समाप्त हो गया। अभी तक फाइनल फिगर जो है 1-2 दिन तक आ जाएगी, क्योंकि अभी आपके सामने कुछ पैसे, क्योंकि ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन अभी तक जो डिपॉजिट हो चुका है वो 85 लाख के करीब हो चुका है और अंदाज़ा है कि 5-7 लाख और आने की उम्मीद है।